चलो आगे के टॉपिक पे काम करते हैं। अभी बनाओ फाइल ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एक बना लो फाइल सब लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट के नाम से, नई फाइल एक नई फाइल बना लो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, बन गया। अब इसमें लिखो हाइपन हाइपन डी आई एन डायरेक्टरी नेम, हाइपन हाइपन साथ में आता, साथ में आता है माइनस, हाइपन 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 होता है, हाइपन हाइपन साथ में होता है, माइनस माइनस नहीं बोल रहा हूँ, नीचे आता साइन जो माइनस हाइपन हाइपन वाला, हाँ यही हाइपन हाइपन डी आई आर डायरेक्टरी नेम, डी आई आर डायरेक्टरी नेम, डी आई आर नेम, डी आई आर, अरे डी बोल रहा हूँ, डी बी नहीं बोल रहा, मेरे बात कट के आ रही क्या, डायरेक्टरी नेम, हाँ डी आई आर नेम, ऐसी इक्वल देखो नीचे हाइपन हाइपन फाइल नेम, हाइपन हाइपन फाइल नेम, साथ में आएगा फाइल नेम, फिर लिखो रिक्वायर, रिक्वायर सिंपल रिक्वायर, अरे रिक्वायर सिंपल सिंपल रिक्वायर, रिक्वायर फिर लिखो नीचे मॉड्यूल एम ओ डी यू एल ई, और फिर नीचे लिखो एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ठीक है, बाकी लोग नोट कर लें ये वाला। अब इसमें एक एक टॉपिक समझेंगे है ना, ये पूरा कमेंट कर लो जी, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के टॉपिक है डायरेक्टरी ने, पूरा कमेंट कर लो, पूरे कमेंट कर लो, पूरा कमेंट हो जाता है। हाँ अब एक एक टॉपिक समझेंगे सारे, ठीक है चलो नीचे आ जाओ, लिखो नीचे आओ, ठीक लिखा, हाँ लिखो कंस्ट्रक्ट को डायरेक्टरी नेम, डी आई आर नेम मतलब डायरेक्टरी नेम होता है ना। अब देखो हम लोग कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, अब उसको लिखो, लिखो डायरेक्टरी नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर हाइफन हाइफन डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम वही सेम डी आई आर नेम। हाँ अब नीचे सी एल एस कर लो, थोड़ा फिर रन करो, नीचे थोड़ा सी एल एस कर लो, सी एल एस कर लो फिर रन करो, देखो ये दिखा रहा है, डायरेक्टरी दिखा रहा है इसकी कि ये फोल्डर किस डायरेक्टरी बना हुआ है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, सोनू सोनी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, नोट जिस नाम का फोल्डर है। डी आई आर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी नेम, हमें पता करना है कि ये फोल्डर किस डायरेक्टरी में बना हुआ है, पूरा पाथ उठ के आ गया उसका, तब देख सकते हो कंसोल में। अब एक कंसोल करना फाइल नेम, फाइल नेम नीचे आओ कंसोल डॉट लॉग फाइल नेम, अब उसमें क्या उठ के आएगा, पूरा फाइल एंड अप की डायरेक्टरी उठ के आएगी, फाइल एंड अप की डायरेक्टरी, फाइल फाइल नेम लिखो, फाइल नेम रन करो, देखो उठ के आ गया पूरा फाइल नेम तक डायरेक्टरी, कंसोल में सब देख सकते हैं। अब चला के देखो आप लोग, अब इसके बाद देखो अब इसके बाद देखो नीचे वाला, अब कौन सा आया ऊपर देखा ना, रिक्वायर है ना, अब रिक्वायर कैसे काम करता होगा, अब एक बनाओ फाइल, एक बनाओ फाइल स्टूडेंट डॉट जे एस नाम से, एक बना दो फाइल स्टूडेंट डॉट जे एस, एक बनाओ फाइल स्टूडेंट डॉट जे एस नाम से बना ले एक फाइल, गौरव आ जा रही मेरी,
मैं क्या चाहता हूँ वो सब सुना, मेरी फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। मैं इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे स्टूडेंट का डेटा को गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट पे क्या क्या लिखा हुआ है, नेम उसका, सिटी उसका, फोन नंबर, उसको गेट करना चाहता हूँ। कौन सी फाइल पे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट की फाइल पे। और क्या करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट का डेटा को गेट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ पूरा, उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये काम कैसे होगा, ओके, स्टूडेंट वाली फाइल तो अलग है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट वाली फाइल अलग है ना, दोनों फाइल अलग अलग हैं सारे लोग। तो अब हमें कैसे करना होगा, हमें यूज करना पड़ेगा रिक्वायर। हमें पहले क्या करना होगा, स्टूडेंट डॉट जी एस फाइल को रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट डॉट जी एस फाइल को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर, लिखो कॉन्स्टेंट डेटा, डेटा एक वेरिएबल है, इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर फंक्शन का साइन, और उसके अंदर लिखो, अंदर उसके सिंगल कोट के अंदर डॉट स्लैश, और फाइल का नाम आ रहा होगा, देखो स्टूडेंट आ रहा है, हाँ यही बस। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, स्टूडेंट की फाइल को क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। अब जो स्टूडेंट के अंदर आ रहा होगा वो किस में जाकर स्टोर हो गया होगा, डेटा के अंदर। और इस डेटा को मैं कंसोल करके चेक करूँगा, कंसोल करो डेटा को, नीचे आके कंसोल डॉट लॉग, नीचे सी के नीचे कंसोल डॉट लॉग में डेटा है ना, देखते हैं डेटा में क्या उठ के आया वहां से। अब नीचे थोड़ा सी लेस कर लो, अब फाइल को रन करो, देखो क्या उठ के आ रहा है। अब सब देखो यहां पॉइंट क्या उठ के आया, कंसोल में क्या आ रहा है, नीचे देखो टर्मिनल में बता के आप लोग क्या आया, कर्ली ब्रैकेट से आया, ऑब्जेक्ट का साइन आया, उठ के खाली आ रहा ना ऑब्जेक्ट, साइन किसका आ रहा है, ऑब्जेक्ट का, और डेटा खाली आ रहा है, मतलब वहां से डेटा उठ के नहीं आया, उसने क्या साइन दिखाया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का साइन। अब ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, पहले इतना आप लोग नोट करो और दिखाओ कि आपके में साइन आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट वाला। सारे चीजें प्रोजेक्ट में यूज होंगी अभी नोट के बाद एक्सपीरियंस में, है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है बहुत, और घर पे प्रैक्टिस करनी है। सिटी कोलन ग्वालियर, क्योंकि रिक्वायर में हमसे क्या कहा उसने कि भाई आप देखो जो डेटा को आप रिक्वायर करना चाहते हैं पहले उस डेटा को आप ऑब्जेक्ट के अंदर रखो, तब हम यहाँ पे रिक्वायर करा पाएंगे उसको। बस अब देखो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर रख लिया, सेव कर लो फाइल को। अब वहाँ पर वाली फाइल पे आओ, ग्लोबल वाली फाइल पे आओ। अब देखो अब आया डेटा, सेव करो, अब दोबारा रन करना कंसोल में। अभी भी खाली आ रहा है, अब खाली क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि हमने उस फाइल को मॉड्यूल एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं। लाइन नंबर 5 के नीचे आओ, इस ऑब्जेक्ट को लाइन नंबर 5 के नीचे, अरे वहीं चलो स्टूडेंट वाली फाइल पे, 5 के नीचे देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अगर स्टूडेंट वाली फाइल को मुझे किसी और पे दिखाना है डेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट्स ऐसा आता है, इक्वल स्टूडेंट। जब इस फाइल को कहीं और रिक्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जो भी हम डेटा रखते हैं ना, वो सब कुछ हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही रखते हैं, याद रखना हमेशा चीजें। ये पढ़ाया था ना मैंने ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट को क्या कर दिया, मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे इस डेटा को हम कहीं भी यूज कर सके। अब रन करके देखो, अब चला के देखो, डेटा उठ के आ गया ऑब्जेक्ट में,
सब देख लो कंसोल में आ गया, उठ के आ गया, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर पहले खाली आ रहा था, नेम सिटी सब कुछ आ गया। आप लोग चेक करें एम्प्लॉय डॉट जे एस नाम से ना लो एक फाइल, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा सिटी। हाँ कॉमा लिखो, रुको अब रुको, दो बट दो बट दो नहीं, अब यहाँ पे लिखो फंक्शन, लिखो फंक्शन आना सिंपल, देखो यहाँ पे एक बनाओ फंक्शन, यहाँ पे आई टी एम नाम से ना लो, आई टी एम लिखो, आई टी एम, आई टी एम वहीं वहीं उसी के नीचे, देखो उसी के नीचे से आई टी एम इक्वल फंक्शन इक्वल नहीं सॉरी कोलन आएगा, कोलन 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 आई टी एम कोलन फंक्शन, फिर फंक्शन का साइन, अरे कोलन कोलन बोला है, जैसे हटाओ ऑब्जेक्ट तो वैसे लिखा जाएगा ना, इसे हटाओ कोलन लिखो, कोलन आई टी एम कोलन जो लिखा है ऊपर, अरे कोलन लिख भाई, दो बिंदी जो ऊपर लिखी है लिखो, हाँ ऐसे लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट फंक्शन बनना है ना। अब लिखो फंक्शन, पढ़ाया था ये जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन, फंक्शन का साइन, फिर करली ब्रैकेट्स बाहर, उसके बाहर एंटर दो, कंसोल डॉट लॉग लिखो, हेलो आईटीएम, हेलो आईटीएम, अब लाइन नंबर 6 पर कॉमा लगाओ, लाइन नंबर 6 पे कॉमा लगाओ, 6 पे अब बनाओ, एक बनाओ एमपीसीटी नाम का एरे, देखो एमपीसीटी कोलन एरे का साइन, एरे का साइन, अब डाल दो उसके अंदर राम सोमा मोहन कुछ भी, ये तो पता है ना ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलो अब लाइन नंबर 8 के नीचे आके लिख लो मॉड्यूल एक्सपोर्ट एम्प्लॉय, मॉड्यूल एक्सपोर्ट एम्प्लॉय, एक्सपोर्ट करना, मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इसका डेटा कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल पर। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऐसा था इक्वल एम्प्लॉय। अब देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे ऊपर ऊपर ई लिख देना, ऊपर ई एम लिख देना, ई एम पी लाइन नंबर 1 पे, लाइन नंबर 1 पे लिखो ई एम पी, ई एम पी अकेला, नीचे भी ई एम पी लिख दो, ठीक है ना, ऐसे कंपलसरी नहीं है, बोलो ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हैं। सेव होगी फाइल, फाइल को सेव करो, अभी देख लो पहले, फिर नोट करना आराम से। अब एक बनाओ फाइल, एक बनाओ फाइल, एक बनाओ फाइल एच आर डॉट जे एस नाम से, एच आर डॉट जे एस, एच आर, एच आर डॉट जे एस। अब एच आर को एम्प्लॉय का डेटा देखना है पूरा, है ना, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय को यहाँ पे रिक्वायर करेंगे, है ना, तो लिखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ई एम पी, सेम नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर सिंगल कोट में डॉट स्लैश, फंक्शन का साइन डॉट सिंगल कोट में डॉट स्लैश, डॉट स्लैश अपने आप आ जाएगा, सिंगल कोट तो लगाओ पहले, सिंगल कोट पहले, डॉट स्लैश डॉट 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 स्लैश, बहुत नीचे आ रहा होगा एम्प्लॉय, बस एम्प्लॉय निकल गया। अब आगे कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग लिखो ई एम पी, सीरियस करो, अब चला के देखो एच आर डॉट जे एस, एच आर लिख सकते तो भी चल जाएगा वो, देखो उठ के आगे पूरा देखो, नेम सिटी आई टी एम फंक्शन भी आ गया, एम पी सिटी भी आ गया। अब पहले इतना आप लोग करो, फिर और समझाता हूँ इसमें क्या होना है, इतना रखा उनको वाली फाइल दिखा दो पहले, सीरियस करो नीचे, दो नाम आ गया। अब मुझे एरे प्रिंट कराना है, एरे लाइन नंबर 3 पे आओ, लाइन नंबर 3 पे सिंपल लोगों ई एम पी नहीं, अरे ई एम पी, ई एम पी
डॉट, पहले मैं फंक्शन रन कर देता हूँ, देखो आईटीएम और फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन लगा दो, अब रन करो, चलेगा तो ईएमपीसी सब कुछ, फंक्शन रन हो जाएगा, देखो यहाँ पर चल गया फंक्शन, हेलो आईटीएम चल गया। अब एरे प्रिंट कराता हूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग ईएमपी डॉट एमबीसीटी, रन कर लो, एमपीसीटी कैप्टन में कैप्टन लिख लो, रन करो, चल गया। अरे अब एरे के लिए वो इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट करनी है तो एमपीसीटी के आगे लगा देना जीरो का साइन, कंसोल डॉट लॉग लिख लो, उसी नीचे लिख लो, नीचे कंसोल डॉट लॉग, हाँ अच्छा कहीं लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग बोलते हो, हाँ ईएमपी एमपीसीटी एरे का साइन, और फिर तो 01 जो तुम्हें कराना हो प्रिंट, इंडेक्स प्रिंट हो गया जाएगा उसका डेटा, आ गया देखो, ठीक है समझ आ गया कैसे काम हो रहा है ना, बिना मॉड्यूल एक्सपोर्ट के यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मॉड्यूल एक्सपोर्ट बंद कर देना वहां से जाके, मॉड्यूल एक्सपोर्ट रिक्वायर ही नहीं हो पाएगा, ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट बंद कर देना, इसके बिना डेटा वहां पे जाएगा ही नहीं, रिक्वायर में खाली आएगा ऑब्जेक्ट, देखो सेव करो फाइल, रन करो दोबारा से, रन करो, देखो एरर दे गया सब कुछ, सब देख रहे हैं एरर देने लगा सब कुछ, ओके जब वहां से रिक्वायर ही नहीं होगा, वहां पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो यहाँ पे रिक्वायर देखेगा ही नहीं होगा, ठीक है वो चालू कर लो कोड वाला, बस सेव कर लो, नाम चेंज कर लो वहां पे भी, ये थोड़ा इसे बता दो, ये थोड़ा कमेंट कर लो जल पूरे कोड ये कमेंट कर लो थोड़ा, अभी नोट करेंगे ना जी लोग, इसलिए अब इसी नीचे लिखो कंसोल डॉट लॉग ईएमपी लिख लो, किला ईएमपी लिख दो, क्या क्या उठ के आ रहा है उसमें, कंसोल डॉट लॉग ईएमपी, देखो डेटा उठ के आ गया, ठीक है मॉड्यूल एक्सपोर्ट जो है ना पूरा ऑब्जेक्ट ही तो है, पूरा ऑब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है, अब कितना भी उठा सकते हो डेटा, कितना भी आ लो ऑब्जेक्ट, ठीक है अब चलो नोट करो।